आपकी तरफ से, पूरे हिमाचल वासियों की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अधिमान देते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शंस में विदिशा लोकसभा क्षेत्र का मुझे ऑब्जर्वर नियुक्त करा है। ये हम सब के लिए, हिमाचल वासियों के लिए मान सम्मान की बात है। तीसरा, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त कुछ दिनों में हिमाचल पे बड़ी विपदा टूटी है। हमारी सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता के अंदर दिन रात एक करके दो दिनों में सभी व्यवस्था को बहाल किया गया। मुख्यमंत्री मौके पर रहे, लोगों को राहत पहुंचाई, पर बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर भी राजनीति करी। उनको इस मौके पे राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल वासियों की मदद के लिए केंद्र सरकार से फंड की गुहार लगानी चाहिए थी। उनकी केंद्र में सरकार है, उस नाते आर्थिक मदद का पैकेज बड़ा दिलवाना चाहिए था, जो करने में वो नाकामयाब रहे। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश सरकार जनता की आकांक्षाओं पे, आशाओं पे पूरा उतर रही है और संगठन भी प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता के अंडर अच्छा काम कर रहा है। और मैं आज आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ ये बोलने के लिए कि जहाँ मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है, पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में 2024 में हम कांग्रेस को चारों सीटें जीतवा के दें। आप सबको मालूम है कि मैं आपसे रूबरू होता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, और मेरा एक विषय रहा है जिसको मैं विशेष तौर पे टच करता हूँ कि कांगड़ा जो हमारा जिला है और चंबा जिला है, इतनी हमेशा अनदेखी होती रही है, पर इस बार पहली बार कांग्रेस पर सरकार जो सत्ता में आई है कि कांग्रेस जिला, कांगड़ा जिला को अधिमान दिया गया है। पहली बार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 2000 करोड़ एयर मार्क करे गए हैं। सरकार की और सुखविंदर सुक्खू जी की मंशा को दिखाता है कि वो कांगड़ा चंबा क्षेत्र के लिए चिंतित हैं। ऐसे ही उन्होंने कांगड़ा में जू की घोषणा करी है, पर बीजेपी का जब पिछली बार, इसीलिए वो सत्ता से बाहर गए हैं कि उन्होंने कांगड़ा को अधिमान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार पूरी कोशिश कर रही है, ये हमारी मंशा को जाहिर करता है। 2000 करोड़ हमने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एयरमार्क करे हैं। जैसे ही हम सत्ता में आए, सबसे पहले हमने ओपीएस की पहली बैठक में बहाली करी और कर्मचारियों ने उसका जोश भी मनाया। धर्मशाला में फंक्शन हुआ, सभी प्रदेश से लोग आए थे। ऐसे ही जो हमने गारंटियां दी हैं, मेजर गारंटियां 10 दी हैं हमने, उनको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हमारे पास 5 साल का समय है, हमें जल्दी नहीं है। हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के आदेश हैं, जो बोला है उसको पूरा किया जाएगा। कर्नाटका में भी जैसे ही सत्ता में आए तो जो उन्होंने चुनावी वादे करे थे उनको पूरा किया गया। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, प्रदेश में कुछ चीज़ें पटरी पे लौट रही हैं, पर देश में महंगाई से बुरा हाल है, बेरोजगारी से बुरा हाल है, सिलेंडर की कीमत आपके सामने है, टमाटर की कीमत आपके सामने है। बीजेपी के लोग बयान देते हैं कि टमाटर खाना छोड़ दीजिए, किसी दिन बोलेंगे जीना छोड़ दीजिए, तो ये माध्यम नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी देखना चाहता हूँ कि जब हमारे आदरणीय नेता जी की सदस्यता को 24 घंटे में खारिज कर दिया गया था एमपी से, एमपी के तौर पे लोकसभा से उनको 24 घंटे में खारिज कर दिया गया था गुजरात की जजमेंट आने के बाद, क्योंकि गुजरात दिल्ली से 800-900 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि कल की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट 2-3 किलोमीटर के दायरे में है। हम तो समझते थे कि रातों रात ये गवर्नमेंट जो है कहती है हम बड़ी जल्दी एक्ट करते हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करते और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते, वायनाड की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते और लोकसभा
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें भी वो तेजी दिखाते, जो राहुल गांधी जी को हटाने में तेजी दिखाई थी, उनका घर खाली कराने में तेजी दिखाई थी। राहुल गांधी जी को घर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोगों के दिलों में रहते हैं। आने वाले 2024 में हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमने एक मजबूत गठबंधन बनाया है जिसको इंडिया का नाम दिया है। मैं तो कहूंगा कि इंडिया एक मजबूत गठबंधन है, इंडिया के अंदर जीतेगा भारत, मेरा ये नारा है। इंडिया गठबंधन बनेगा और जीतेगा, जीत जो है वो भारत की होगी 2024 के इलेक्शंस में। आज के आपके मध्य में उपस्थित हुआ, पहले भी आप लोगों ने साथ दिया है और हमारे जो साथी इधर बैठे हैं, कोई सत्ता में के दौरान कोई उनको पोस्ट भी मिली है, सारा श्रेय आप लोगों को जानता है कि आपने कांगड़ा की आवाज़ को पूरे हिमाचल प्रदेश में पहुंचाया और हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया। मैं यही बोलना चाहता हूं, धन्यवाद। आपके क्वेश्चन से मैं तो रेडी हूं। ऐसा है, अभी देखिए इस वक्त तो त्रासदी का समय है। इस वक्त हम सबकी प्रायोरिटी जो है वो किसी भी क्षेत्र में, जैसे कुल्लू मनाली में हुआ है, भरमौर में बड़ी नुकसान हुआ है, अभी बारिशें चल रही हैं, हमारा अधिमान अभी जो सारा ध्यान है सरकार का वो लोगों को राहत देने में है। समय आने पे मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की मैं बात करता था, वो आपके सामने 2000 करोड़ एयर मार्क्ड है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करता था जो बीजेपी सरकार में एक ईंट भी नहीं लगी, अब उधर देखिए जोरों से कार्य चल रहा है। इस समस्या का भी हल होगा। हमें सबको राजनीति से ऊपर उठकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रखते हुए जनता की बात को पहले रखना है और मैं समझता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात को बखूबी कर रहे हैं। सर, अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पिछले दिनों भी केंद्र में गए थे, सरकार से विशेष पैकेज की मांग करी थी। कल रात को प्रदेश के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आया, वो किस हेड से आया और क्या प्रदेश सरकार उस बजट से सेटिस्फाई है? ऐसा है, सेंटर ने ही टीम एक इवैल्यूएशन के लिए भेजी थी आज से 15 दिन पहले। सेंटर के टीम ने एवोल्यूशन करके 8000 करोड़ बोला है, तो आप खुद समझ सकते हैं ये वाजिब है या नहीं है। मैं तो आपसे पहले बोल चुका हूँ, जहाँ कांग्रेस के सरकार के मुखिया और हिमाचल प्रदेश के मुखिया राहत मांगने के लिए जा रहे हैं, इस पर बीजेपी के नेताओं का दायित्व बनता है कि उनकी केंद्र में सरकार है वो साथ में जाएं और राजनीति को पीछे करें, तो जनता के दुख को आगे करें। उनको कहना चाहिए कि 8000 करोड़ का राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया जाए। 350 करोड़ आए हैं, वो आप सेटिस्फाइड हैं? तो जब नहीं, हम भी जनता में आते हैं, सरकार सेटिस्फाइड नहीं है। रूटीन में आता वो पैसा है जो 8000 करोड़ गवर्नमेंट ने बोला है वो नहीं आया है। हम जल्दी से जल्दी मांग करते हैं कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी पैसा रिलीज किया जाए। मैं देखिए, एक होता है मिल चुकी है और मिलेगी, मौके पे क्या होता है। 5 साल से आप सभी इधर बैठे हैं, जो मैंने 5-6 मुद्दे उठाए थे, एयरपोर्ट विस्तारीकरण का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उन दोनों काम तो अभी शुरू हुए हैं। आश्वासन देना और चीज़ों को धरातल पे उठाना उतारना, दोनों चीज़ों में फर्क है। मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उनकी बात सच हो और मोदी जी अपने वादे को पूरा करें। 8000 करोड़ जो उनसे मांगा गया है, 8000 करोड़ को जल्द से जल्द वो रिलीज करें। सर, अधिकारियों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, इस पर भी विरोध किया जा रहा है और रोजगार के लिए युवा जो भर्तियों के लिए टली हुई हैं, जो स्टे पे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि बहाली की जाए, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही और अधिकारियों का एक्सटेंशन मिल चुका है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अभी जो मेरा आज का ये था टॉपिक था, ये था कि हमारे जो पीड़ित लोग हैं त्रासदी में बसे हुए हैं, हम भी नौकरी के इच्छुक हैं, हमारे बच्चे भी नौकरी के इच्छुक हैं, हमारे युवा नौकरी के इच्छुक हैं, सबको समय आने में किया जाएगा। पर इस वक्त केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, सेंटर में तो वही इंजन है, हिमाचल में इंजन चेंज हुआ है, पर जो मानवता की गुहार है, मानवता के लिए सबको एक मंच पर आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई और दल है।